कपिल भाई, क्या समस्या आ रही है ट्रैक्टर में? एक तो चक्कर थोड़ा वाली। ठीक है जी। और जी ट्रैक्टर जब मोड़ पर मुड़ा था, हाँ हाँ, तो मतलब वह बात नहीं, मैं तो मैसी चला रखा आज। ठीक है जी। तो वह बात नहीं आ रही जिस तरह हमारा मैसी चला था। ये वही महिंद्रा 575 है जो कि दब रहा था। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज जो हमारे पास ट्रैक्टर है महिंद्रा 575 है जी, एम टेक लिफ्ट के साथ ये ट्रैक्टर है। तो ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है जी। भाइयों को आरपीएम ड्रॉपेज की समस्या आ रही है जी। भाइयों, इस ट्रैक्टर को रमा करेंगे कोई भी भाई, जिस तरीके से हम कर रहे हैं कोई अनजान भाई के करने वाला काम नहीं है ये। तो तरीके बाय तरीके भाई, आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि भाई आखिरकार रवा क्यों करना पड़ता है, क्या सभी ट्रैक्टरों को करना पड़ता है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं। तो कौन से भैया का ट्रैक्टर है जी इनका? कपिल। कपिल भाई, क्या समस्या आ रही है ट्रैक्टर में? एक तो चक्कर थोड़ा वाली। ठीक है जी। और जी ट्रैक्टर जब मोड़ पर मुड़ा था, हाँ हाँ, तो मतलब वह बात नहीं, मैं तो मैसी चला रखा आज। ठीक है जी। तो वह बात नहीं आ रही जिस तरह हमारा मैसी चला। ठीक है। तो भैया दो बात है यहाँ पे। एक तो जो है ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी सही नहीं निकाल रहा 575 वाली। तो भैया वीडियो के बीच में रोक के पूरा कारण सहित बताऊँगा, कोई ऐसा नहीं कि हमने इसमें आके कोई जादू कर दिया या कुछ ऐसी है। तो ये ट्रैक्टर पूरी उम्मीद है कि सही चलेगा। तो दो बात हैं जी। एक तो जो इनका कल्टीवेटर है जी मैसी वाला, उसका सेंसिंग पॉइंट बहुत नीचा था। इधर दिखाओ भाई। भाई दो बात होती है, मिसमैच इंप्लीमेंट और ट्रैक्टर का ना सही ना चलना। तो हमने इनसे दूसरा कल्टीवेटर मंगाया है जी, जिसका कि सेंसिंग पॉइंट हाइट पे है। तो जी जो मैसी ट्रैक्टर है भाई, वो नीचा ट्रैक्टर होता है। तो ये मैसी के कस्टमर है, तो यही कारण होता है जी कि एक तो मिसमैच इंप्लीमेंट हो जाता है। इसमें मिसमैच इंप्लीमेंट भी हुआ हुआ था। तो मैसी वाला कल्टीवेटर जो है काफ़ी पुराना है ना जी वो? हाँ जी, काफ़ी पुराना। तो भाइयों मैसी ट्रैक्टर का ये वाला सेंसिंग पॉइंट नीचा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नीचे सेंसिंग पॉइंट है वो पुराने ट्रैक्टरों में सही चल जाता है। लेकिन जैसे ही मेरा किसान भाई ट्रैक्टर बदल लेता है, तो उसी इंप्लीमेंट को दूसरे ट्रैक्टर पे चलाने की कोशिश करता है। सेम यही रूटावेटर में होता है जी। सभी ट्रैक्टरों के पीटीयू के आरपीएम अलग अलग होते हैं, कुछ के सेम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10-20 चक्करों का ही अंतर क्यों ना हो। तो मिसमैच इंप्लीमेंट इस चीज़ को बोला जाता है जी। और ये देखो ट्रैक्टर की आवाज़ चेक करो। तो भाइयों बिल्कुल फटी सी आवाज़ निकाल रहा है ट्रैक्टर। कोई जो अगर देसी से देसी भाषा में कहें तो जो है गोल आवाज़ ट्रैक्टर की बिल्कुल नहीं है, और ट्रैक्टर जोर नहीं लगा रहा। तो अभी इसको एक नेचुरल जो है तापमान पे लेके जाएंगे जी। और भाइयों रवा होके कैसे ट्रैक्टर पे फ़र्क पड़ता है, तो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और आपके सामने ही ये ट्रैक्टर जो है तीसरे के लो से स्टार्ट करेंगे जी, और देखते हैं किस गियर तक सही खिंचाई करता है। तो सबसे पहले ट्रैक्टर पे अखबार लगा लेंगे जी स्टार्ट करके। भाइयों कोई भी अनजान भाई इस काम को बिल्कुल मत करे जी। तो भाइयों सामने ट्रैक्टर के अखबार लगा रहे हैं, और पहले हमने इस ट्रैक्टर को हल्का सा जो है इधर दिखाऊंगी, हल्के लोड पे चला के भाइयों नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके गए हैं। नॉर्मल टेम्परेचर दिखाऊंगी जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और तो हरजीत भाई अभी ट्रैक्टर तीसरे लो में ही ट्रेलर खींच रहा है, जो ट्रैक्टर सही से नहीं खींच पा रहा जी तीसरे लो में भी। ठीक है। तो जैसे नया ट्रैक्टर है तो 910 का कल्टीवेटर है, आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी इंप्लीमेंट भी नहीं है, तो तीसरे के लो में ट्रैक्टर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है खींचने में। और आज आपको हम बताएंगे कि रवा करना क्यों ज़रूरी है, और किस तरीके से ट्रैक्टर को रवा करना चाहिए, कितने प्रॉपरली ट्रैक्टर को तापमान चाहिए जिससे ट्रैक्टर अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाए। थोड़ा जैक में प्रॉब्लम है। तो अभी काफ़ी ड्रॉपेज है, वो ड्रॉपेज एक बार चेक कराएंगे, क्योंकि पहले हाई में है। हरजीत भाई ड्रॉपेज चेक कराओ एक बार, क्या ड्रॉपेज आ रही है भाइयों? लीवर नहीं छेड़ेंगे, लीवर दिखा दे।
जहाँ लीवर है यहीं की यहीं है, ट्रैक्टर सही खिंचाई करेगा। भाइयों नजायज ड्रॉप पे जाए ट्रैक्टर पे लीवर नहीं फेरेंगे जी, जहाँ है वहीं रखेंगे क्योंकि जिससे कि पता लग पाए। और नजायज ड्रॉप पे जाए अभी फिलहाल ट्रैक्टर 500 से 700 आरपीएम ड्रॉप कर रहा, लीवर बिल्कुल नहीं फेरेंगे। भाइयों 9 के कल्टीवेटर पे ट्रैक्टर 500-700 आरपीएम ड्रॉप दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, नए ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, इतनी ड्रॉप ट्रैक्टर को देनी नहीं चाहिए। अभी तक भी ट्रैक्टर काफ़ी आरपीएम ड्रॉप दे रहा है, जैसे काफ़ी टाइम हो गया ट्रैक्टर को चलाते हुए, हमें इस अकॉर्डिंग ट्रैक्टर काफ़ी ड्रॉप दे रहा है। क्या क्या तरीके रनों करने में यूज करनी चाहिए आज सब कुछ के बारे में, और क्या होता है आगे अखबार लगाने से ट्रैक्टर बिल्कुल ही दबदब है। जैसे ये 48 पावर का ट्रैक्टर है, 47-48 के आसपास का कैटेगरी का ट्रैक्टर है, उस अकॉर्डिंग 9-10 का कल्टीवेटर भी एक छोटा इंप्लीमेंट है, उस पर भी ट्रैक्टर अच्छी ड्रॉपेज दे रहा है, तो ये परफॉर्मेंस सही नहीं है ट्रैक्टर की। तो भाई से पूछते हैं क्या ड्रॉपेज है, भाई ट्रैक्टर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी ड्रॉपेज दे रहा है इस टाइम पे? जैसे फिलहाल जो ड्रॉपेज दे रहा है 500-700 से 800 के आसपास दे रहा, बल्कि कहीं कहीं तो बंद होता जा रहा है। बल्कि जैसे 47-48 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो इसके लिए इम्प्लीमेंट भी ये कुछ छोटा है? इम्प्लीमेंट कुछ नहीं, काफी छोटा। हाँ 9-10 का, इस पे भी ट्रैक्टर परफॉर्मेंस दे नहीं रहा, ट्रैक्टर भी सही तरीके से रवाई नहीं, घुट रहा ट्रैक्टर, घुट रहा ट्रैक्टर की साउंड भी बता रही है कि ट्रैक्टर में भी बहुत गुंजाइश है। तो देखते हैं ट्रैक्टर को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद क्या फ़र्क आता है, बने रहना वीडियो में एंड तक भाइयों। तो भाइयों साउंड चेंज हो गया ट्रैक्टर का चलते चलते का, आप चेक कर सकते हैं कि ट्रैक्टर के साउंड में। तो भाइयों साउंड चेंज हो गया ट्रैक्टर का, आप चेक कर सकते हैं चलते चलते ट्रैक्टर का साउंड पहले से हार्ड हो गया है, और परफॉर्मेंस भी दिखने लग गया है, और परफॉर्मेंस भी दिखाने लग गया ट्रैक्टर पहले से। और यही एक ट्रिक होती है इसमें जो, और दिखाएंगे आपको कि सही टेम्परेचर कितना चाहिए ट्रैक्टर को, मतलब रवा करने के लिए कितने टेम्परेचर तक और किस तरीके से करना चाहिए, प्रॉपरली लोड किस तरीके से डालना चाहिए ट्रैक्टर पे, बंधा हुआ लोड डालना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पर कल्टीवेटर उठा लिया कहीं रख दिया, ऐसे तरीके से ट्रैक्टर रवा नहीं होता। अभी ट्रैक्टर के साउंड में काफ़ी फ़र्क आ गया, बाकी अभी और करेंगे ट्रैक्टर को, फिर दिखाते हैं परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है ट्रैक्टर की। तो भाई जो ट्रैक्टर थर्ड के लो में नहीं चल रहा था, अब उसे टॉप के लो में लगा दिया, मतलब कि चौथे के लो में ट्रैक्टर को लगा दिया है, अब ये चौथे के लो की परफॉर्मेंस है। और अब ड्रॉपेज चेक करेंगे इस टाइम पे ट्रैक्टर की क्या ड्रॉपेज है। तो भाई और सब कुछ वही है, देखो आप एक बार दिखा दो भाई एक बार, कुछ नहीं खेला, और पहले के हाई गियर में आ गया ट्रैक्टर, तो आप ड्रॉपेज देखेंगे। तो भाइयों ट्रैक्टर में पहले से काफ़ी फ़र्क आ गया है अब परफॉर्मेंस में, पहले के हाई में ट्रैक्टर चल रहा है, और साउंड में भी काफ़ी हार्डनेस आने लग गई है। और अभी 10-15 मिनट और चलाएंगे ट्रैक्टर को, थोड़ा सा और ट्रैक्टर को टेम्परेचर देंगे। तो
भाई साउंड में ट्रैक्टर के काफी चेंज आ गया अब पहले से। अब तो डीलर जहाँ पहले गया था वहीं जा रहा है भाई, अब तो सच्चे तो जान रहा वहीं चल रहा डीलर। तो भाई अब पहले से कुछ फर्क लग रहा है आपको ट्रैक्टर में? ज्यादा जी आवाज भी बदल गई ट्रैक्टर की तो भाई साहब। अच्छा पहले जो कैसी आवाज थी इसकी? पहले तो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था। अच्छा पहले फटी सी आवाज हो रही थी, अब फुर्की पाया ट्रैक्टर। अच्छा जी सेंसिंग भी कर रहा देखो। ठीक है जी। और जैसे पहले ट्रैक्टर भाई बता रहे थे कि कितने आरपीएम टोर रहे थे? आरपीएम तो एकदम डाउन मारे थे। अच्छा जी कई जगह तो बंद होने तक भी जाता था, बंद मोड पर तो बंद होने की कंडीशन रह जाती ट्रैक्टर जी। अब पहले से फर्क आता जा रहा है कुछ ज्यादा? ठीक है ट्रैक्टर को देखने में बिजी लग रहा। अच्छा जी हाँ। तो भाई कपिल भाई से पूछते हैं जिनका ट्रैक्टर है, उनसे ही पूछते हैं कि क्या साउंड परफॉर्मेंस आ रही है। तो कपिल भाई क्या फर्क लग रहा है आवाज में ट्रैक्टर में आपको? अब तो काफी फर्क आ रहा है आवाज में, मतलब कि अब तो दूर से भी पता चल रहा है कि ट्रैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी दूर से पता लग रहा है। हाँ जी। तो भाइयों अब अखबार हटा रहे हैं, कभी भी गर्म ट्रैक्टर को बंद नहीं करना जी, अखबार हटा के इसको पूरा नॉर्मल टेम्परेचर तक कर लेंगे भैया। बंदना कर दिया था ना बंदना कर दिया। तो एक बार टेम्परेचर दिखाना चाहूंगा आपको भाइयों कि किस टेम्परेचर तक हम ले गए। रेस दे दे तो जैसे जैसे ट्रैक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर जाएगा तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। और जो है कोई भी अनजान भाई बार बार कह रहे हैं कि ऐसा काम अपना ट्रैक्टर हीट वगैरह मत कर लिए, तो जैसे ही अभी ट्रैक्टर नॉर्मल हो जाएगा तो पूरी परफॉर्मेंस इसकी हम आपको दिखाएंगे। पहले से जैसे पहले ट्रैक्टर के साउंड फर फर कर रहा था पूरा, अब आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर की स्लिप, ट्रैक्टर स्लिप मार रहा है बट दब नहीं रहा, स्लिपीज है ट्रैक्टर में काफ़ी बट इंजन आरपीएम ड्रॉपेज नहीं दे रहा। चेक कर सकते हैं लीवर आप डाउन है, वो ट्रैक्टर के स्लिपीज है बट कोई ट्रैक्टर में दबने वाली गुंजाइश नहीं है, जो हमारा ट्रैक्टर दब रहा है वो इंजन की कोई दबिश नहीं है, ये रवा होने के बाद की परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। तो जो यही ट्रैक्टर है जो पहले बंद होने तक जा रहा था इसी कल्टीवेटर में। तो भाई बंदे खड़े कर दिए, अब चेक कर सकते हैं चार बंदे खड़े हैं। बहुत ही बारीक सेंसिंग है इसके अंदर। तो भाई दोनों लीवर डाउन करके देखेंगे अब। परफॉर्मेंस चेक करो, ट्रैक्टर का इंजन दाब नहीं मान रहा। वही महिंद्रा 575 है जो कि दब रहा था पूरा।
भाई अब ये बताओ कि आपका ट्रैक्टर क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है भाई। अब तो बहुत बढ़िया कर रहा, कोई आरपीएम नहीं है और आवाज भी बदल रहा है, तो मजे ले रहा है मुझे पूरे भाई। पहले और अब में क्या फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है, ये दूसरे के हाई में लगा दिया भाई ने, वो दूसरे के हाई में। पहले तो दिख रहा मर गया ट्रैक्टर वही सुनी थी बिल्कुल, एक भी ड्रॉप नहीं मारा, एक भी ड्रॉप। और अच्छा, जैसे ट्रैक्टर जब दो टायरों पे हो रहा था इतने लोड पे, ट्रैक्टर कोई दब दिखा रहा था? नहीं दिखा रहा था, कोई चक्कर तोड़ रहा। तो अब बिल्कुल सहमत हो आप कंपनी से? बहुत बढ़िया। और आवाज आवाज वगैरह में क्या फर्क लगा? 575 ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए भाई, बदल गई अब तो आवाज बहुत बढ़िया होगी। तो अब किसान भाई ट्राई ले रहे हैं, किसान भाई ले रहे हैं ट्राई, चौथे के लो में का है, जैसे पहले चलाते थे उस तरीके से चला के देखेंगे ये, तो देखते हैं क्या फर्क आता है इनके चलाने में। और दिखाते हैं किसान भाई से, पूछेंगे कैसा चला है। तो भाइयों, बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि भाई ऐसा आप क्या कर देते हो ट्रैक्टर में जो ड्रॉपेज हट जाती है, तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ भाइयों। जो पहली 80 घंटे वाली या 50 घंटे वाली सर्विस कहा जाता है किसान भाई को ट्रैक्टर देते समय, है ना जी, जी। और भाइयों हर एजेंसी यही कहती है कि 80 घंटे में सर्विस करा लो, लेकिन 80 घंटे में भाइयों कोई तेल काला नहीं होता ट्रैक्टर का। जो इंजन के अंदर बिल्कुल जब नया इंजन बनता है तो वो टाइट होता है जी, फ्रिक्शन के कारण लॉसेज होते हैं, मतलब कि भाइयों सादी बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा भाइयों, लोहे की घसाई होती है, तब जाके वो अपने पूरे उस पे आता है जी इंजन। इंजन को हल्का सा टाइट बांधा जाता है और एक बार उसको बढ़िया टेम्परेचर दे के चलाया जाता है जी ट्रैक्टर को, तभी ट्रैक्टर जो है आरपीएम ड्रॉपेज बंद कर देता है। दूसरा, जब ट्रैक्टर की गियर ट्रेन जी यानी कि गेयर बक्सा कह लो जी, अच्छा भाइयों, जब वो वहाँ पे असेंबल होती है प्लांट में, तो उस वहाँ पे टॉर्क गन है जी, कोई मिस्त्री वगैरह के हाथ में नहीं है कि किस बोल्ट को कितना टाइट करना है, तो उसको मशीनों को जो एयर मशीन है थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करा जाता है, जिससे कि जो है आगे चल के भविष्य में फ्रिक्शन हो के जो बिल्कुल सही चले, जैसे कि लोहा घस के उसमें चाल ना आए जी। तो भाइयों कल्टीवेटर पे कुछ भाई पहले ही रूटावेटर जोड़ लेते हैं जी, तो उससे इंजन तो कुछ हद तक रमा हो जाता है, लेकिन गेयर बक्सा नहीं। अभी ये ट्रैक्टर बिल्कुल आराम से चल रहा है कपिल भाई, कैसा चल रहा था? बहुत अच्छा चल रहा है अभी, पहले से इसी कंडीशन में भाई तीसरे लो में भी इससे कल्टीवेटर नहीं खींच रहा था। हाँ, अब ट्रैक्टर टॉप की लो में बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आपको नॉर्मल चला के दिखाएंगे जी कपिल भाई। भाई वो जो अपना 575 होता है, तो फोर्थ की लो चाल इसकी सबसे बढ़िया होती है जी, और पहले का हाई अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप 1800 चक्करों पर पहले हाई में चलाओ, और थोड़ा काम जल्दी करना है तो 1600-1700 चक्करों पर टॉप की लो में चलाओ। तो अब लिफ्ट वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं जी? ठीक है जी, अब आप जो है इसे चला के दिखा। जैसे आपने अभी ट्राई ली है तो उसमें आपको क्या फर्क लगा? पहले से काफी बेहतर है जी। तो सारे किसान भाइयों को करके दिखा दो, कोई ड्रॉपिंग नहीं है। अब पहले हाई में चलाओ जी, चला के दिखाओ आप इसे पहले हाई। तो भाइयों जो नॉर्मल चलाई है वो करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें इसको पकड़ा ही चलाएंगे। 1800 आरपीएम पहला हाई, तो भाई वो मोड़ पे ट्रैक्टर में आरपीएम ड्रॉप की प्रॉब्लम थी, अब आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टर स्लिप ले रहा है लेकिन ड्रॉपेज नहीं है। और ये पहले के हाई में बिल्कुल मैंने नॉर्मल जो है 1800 चक्करों पे ट्रैक्टर को छोड़ रखा है, और आवाज़ चेक करो जी ट्रैक्टर। तो भाइयों अगला जो वीडियो इसका बनाएंगे 11 कल्टीवेटर चला के देखेंगे जी, कहीं से अरेंज कराए हैं बायर ने।